वेलकम टू द नोवर निखिल लर्निंग ऐप। इस ऐप को स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही डेवलप किया गया है। इस ऐप के अंदर आप लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, रिजल्ट्स और एडमिट कार्ड के अपडेट्स पा सकते हैं। साथ ही साथ आप इन सारे ऐप्स को कैटेगरीज, क्वालिफिकेशन एंड लोकेशन के हिसाब से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट जॉब्स और डिफरेंट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉइड प्ले स्टोर से और आप इस ऐप को 5 स्टार देना ना भूलें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सेंट्रल रेलवे की है, जिसके अंदर 2573 पोस्ट निकली है ट्रेड अप्रेंटिस के। और इस वैकेंसी के बारे में भी बताता हूँ जिसके अंदर किसी भी बिना किसी एग्जामिनेशन के, बिना किसी रिटन एग्जामिनेशन के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है रेलवे के अंदर। तो इस वैकेंसी के हम डिटेल में जाएं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को समझे, उससे पहले मैं उस डाउट को क्लियर करता हूँ जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को आता है कि बेसिकली ट्रेड अप्रेंटिस होता क्या है, क्या ये परमानेंट जॉब है, क्या ये बिना किसी एग्जामिनेशन के आपको परमानेंट रेलवे के अंदर एंट्री दिला देता है। सबसे पहले इसी के बारे में बात करते हैं। बेसिकली अप्रेंटिस का मतलब होता है ट्रेनी। ये एक ट्रेनी की पोस्ट है, ये कोई जॉब नहीं है, ये कोई परमानेंट रेलवे की जॉब नहीं है। बट आप इस वीडियो को आगे देखिए, आपको आगे और समझ में आएगा अच्छे से कि ये परमानेंट जॉब कैसे बन सकती है। बट फिलहाल जो ये वैकेंसीज निकली है, ये किसी परमानेंट जॉब की वैकेंसीज नहीं है। इसके अंदर बेसिकली 80-90% सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है और बाकी 10% के आसपास थ्योरी की ट्रेनिंग होती है। आप इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हो कि आपको डायरेक्टली रेलवे के अंदर ट्रेनिंग करने का मौका मिलता है, वो भी बिना किसी एग्जामिनेशन के और बिना किसी रेफरेंस के। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ITI किए हुए स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा या फिर इंजीनियर्स अप्लाई नहीं कर सकते। जिन स्टूडेंट्स ने 10th के बाद ITI किया है वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। अप्रेंटिस के अंदर जितने भी स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं वो रेलवे के अंदर जाते हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट कैडर में बढ़ जाते हैं। एक जोन के डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर होते हैं, उन क्लस्टर्स के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। सपोज वेल्डिंग में अपने ITI कर रखा है तो वेल्डिंग डिपार्टमेंट में आप ट्रेनिंग करने के लिए जाओगे। तो बेसिकली जो अप्रेंटिस होता है उसको चुना जाता है और वो किसी एक डिपार्टमेंट में वो जाता है। अगर उसकी ITI वेल्डिंग में है तो वो वेल्डिंग डिपार्टमेंट में अप्लाई करेगा और वेल्डिंग डिपार्टमेंट में जाके अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करेगा। आपका एक सीनियर होता है, उस सीनियर के पास आप जाते हो, उसके नीचे कई सारे अप्रेंटिस होते हैं, उन अप्रेंटिस को वो ट्रेन करता है। साथ ही साथ आपको थ्योरी की भी नॉलेज दी जाती है और जो भी वो अप्रेंटिस ट्रेन हो जाते हैं एक पर्टिकुलर फील्ड में, वो उसके बाद अगर बाहर किसी भी जॉब में अप्लाई करते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनको नौकरी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर रेलवे के अंदर भी रिक्रूटमेंट निकलती है, मैंने कई बार इसके अंदर आपको नोटिफाई भी कर रखा है, जिसके अंदर रिक्रूटमेंट निकलती है 3,000-4,000 पोस्ट की और जिसके अंदर क्लियरली लिखा होता है कि जो लोग अप्रेंटिस का कोर्स कर चुके हैं या 3 साल का ट्रेनिंग कर चुके हैं, जो लोग अप्रेंटिस ट्रेनी हैं वो ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे फॉर्म इस टाइप के निकलते हैं। उस ट्रेनिंग के बाद हो सकता है कि रेलवे इसको नौकरी पर रख ले, हो सकता है कि ना रखे। इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि वो अप्रेंटिस को परमानेंट जॉब मिल ही जाएगी। अगर रेलवे किसी आदमी को बैठा करके ट्रेनिंग दे रही है तो ऑब्वियसली वो चाहेगी कि उसको ट्रेंड बनता ही मिल जाए, जो लोग वहां पर जाके अच्छा करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनको जरूर परमानेंट जॉब ऑफर करेगी। और परमानेंट जॉब ऑफर नहीं भी करते तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जरूर करेगी, उसके बाद आपको परमानेंट होना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। और बेसिकली ट्रेनिंग होती कितने दिन की है, तो ये ट्रेनिंग 3 साल की होती है। 1 साल 2 साल के बाद भी आप छोड़ सकते हो, बट ये ट्रेनिंग 3 साल की होती ही है। तो ये आपने समझा ट्रेड अप्रेंटिस के बारे में। अब हम जो हमारी नोटिफिकेशन निकली है उसके पे आते हैं। इसके अंदर रेलवे के जो ट्रेड अप्रेंटिस की जॉब है 2573 पोस्ट है, जिसकी की फॉर्म अब आउट हो चुके हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हो बिल्कुल। इसकी फीस बहुत ही मिनिमम है, 100 रुपए की फॉर्म है और अगर आप SC ST हो तो आप इस फॉर्म को फ्री में भर सकते हो। 25 जुलाई तक इसका लास्ट डेट है, आप इस फॉर्म को तब तक भर सकते हो। इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है 10th के बाद ITI, इसके अलावा आपने कुछ भी कर रखा है तो आप नहीं भर सकते। अगला क्वेश्चन आपका यह आएगा कि आखिर इसके प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, आखिर किस तरीके से ये सिलेक्शन करेगी। इसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही आसान है। इसके अंदर आपके 10th मार्क्स और ITI, इन दोनों के मार्क्स को देखा जाएगा और जिनके ज्यादा मार्क्स आएंगे इन दोनों के कंपैरिजन करने पे, इन दोनों को मिला करके जिसके ज्यादा परसेंटेज बनेंगे उसको सिलेक्ट किया जाएगा। अगर 2 स्टूडेंट के सेम मार्क्स बनते हैं तो जिस स्टूडेंट का एज ज्यादा होगा उसको इसके अंदर सिलेक्ट किया जाएगा। एज का मैंने आपको बता ही दिया, 15 साल से 24 साल तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगला सवाल यह आएगा कि क्या ये ट्रेनिंग फ्री होती है, क्या इसके कोई पैसे नहीं मिलते। तो अगर आप इसका नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको क्लियरली लिखा हुआ है वेजेस के परसेंटेज के बारे में, 70%, 80% और 90% डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में। फर्स्ट ईयर में 70, सेकंड ईयर में 80, थर्ड ईयर में 90। मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताता हूँ कि एग्जैक्टली आपको कितनी सैलरी मिलेगी। इसके लिए मैंने अप्रेंटिस एक्ट पढ़ा जिसके अंदर सैलरी की डिटेल डिस्कशन की गई थी। अकॉर्डिंग टू अप्रेंटिस एक्ट जो कि 2010 के हिसाब से है, 1490 यानी 1500 रुपए आपको स्टाइपेंड मिलेगा फर्स्ट ईयर में, जो कि आज के डेट में हो सकता है बढ़ भी गया हो, कोई इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ कि 2010
2010 का जो एक्ट है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। सेकंड ईयर में 1700 रुपए, थर्ड ईयर में 1900 रुपए, और अगर एक साल आपका एक्सटेंड हो जाता है तो 2200 रुपए। ये आपके चारों साल के स्टाइपेंड्स हो गए। ये बेसिकली सैलरी नहीं है, स्टाइपेंड है। इसको बेनिफिट की तरह लेके चले कि एक तो सीखने का मौका मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको एक स्टाइपेंड भी मिलेगा। तो जो मेरे ऐप में डाउट पूछे गए थे इस पोस्ट के रिगार्डिंग, मैं उनको उठाता हूं और आपका आंसर देता हूं। तो एक डाउट था दीपक झा का कि 12th पास है वो आईटीआई उन्होंने नहीं कर रखा तो क्या वो भर सकते हैं? तो नहीं, वो नहीं भर सकते। आईटीआई जिन्होंने कर रखा है वही भर सकते हैं, वो भी आईटीआई उस फील्ड में जिसके लिए रिक्रूटमेंट निकली है, जिसके लिए पोस्ट निकली है उन्हीं फील्ड्स में। वैसे मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, जिस पर आप क्लिक करके सारे फील्ड्स को चेक कर सकते हो जिस फील्ड के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से दीपक का है, उनकी एज 17 है, क्या वो इस फॉर्म को भर सकते हैं? बिल्कुल आप भर सकते हो इस फॉर्म को, 15 साल से लेकर के 24 साल तक के लोग भर सकते हैं। जोयदीप रॉय का क्वेश्चन था कि क्या डिप्लोमा होल्डर भर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं भर सकते, मैंने पहले ही बताया डिप्लोमा या फिर इंजीनियर्स नहीं भर सकते। तो ये थे मेन डाउट जो आपके द्वारा वहां पे पूछे गए थे, इन सब के मैंने आंसर आपको कर दिया। ये रिक्रूटमेंट बिल्कुल ही अच्छा रिक्रूटमेंट है, अगर आपने इस फॉर्म को भरना है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आप उस फॉर्म को जरूर भर सकते हो। वरना आप मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड करो, उसके अंदर इस टाइप के फॉर्म्स हमेशा मैं आपको बताता रहता हूं। इसके अलावा भी डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन और स्टेट के फॉर्म्स भी मैं आपको बताता रहता हूं। तो ये था इस फॉर्म के बारे में, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस फॉर्म को जरूर भरो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा और भी कुछ दो चार फॉर्म्स है जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, आप उनको भरना चाहो तो भर सकते हो। तो बस ये था आज के वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।